हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, ये है ट्रेड टॉक की तीसरी सीरीज। हम देख रहे हैं कि सीरीज के अंदर मैं आपके लिए तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि है लासन एंड ट्यूबो, जो कि LNT के नाम से आप सब लोग जानते होंगे। गाइस, ये मेरी तीसरी वीडियो है। जो पहली दो वीडियो थी वो मैंने बनाई है HDFC और रिलायंस के ऊपर। अगर आपको उन दोनों की पूरी अच्छे से एनालिस समझनी है, किस तरीके से हमने एनालाइज करा उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को, क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने हैं दोनों स्टॉक के अंदर, तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के आखिरी में आपको शो कर जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके अभी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरी वीडियो देख लेंगे गाइस। अब हम बात करते हैं लासन एंड ट्यूबो पे। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लासन एंड ट्यूबो पे कुछ गिरावट आ रही है, हम देख रहे थे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो एक अप ट्रेंड में चलता था, पर अब हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक डाउनफॉल स्टार्ट हो गई है एक तरीके से। वो क्या है, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब हम चार्ट्स पे क्लियरली लासन एंड ट्यूबो की स्टडी करेंगे। पांच फेजेस में आपको मैं लेकर जाऊंगा, जिसमें मैं आपको हर अपनी वीडियो पे पांच फेजेस सिखाता हूँ, किस तरीके से पांच फेज क्या सजेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमें कॉन्क्लूजन पे आते हैं। सो लासन एंड ट्यूबो के चार्ट्स पे हम बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर स्टॉक क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सो गाइज, हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। सो देखिए, मैंने चार्ट्स ओपन कर दिया है। चार्ट्स इस लासन एंड ट्यूबो पे चार फेजेस ही होंगे जो आपको सिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें ये चार्ट ओपन करा है, मैं इसका थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ जूम, सो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से देखना है। जी गाइस, सो आप देख सकते हैं कि मैंने लासन एंड ट्यूबो का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, टाइम फ्रेम जो लगा रखा है वो है डेली का, वीकली का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वीकली के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, और जो जिस डेट को मैं बना रहा हूँ वो डेट आप मान के चल सकते हैं कि 10th of July 2019 है जिस डेट पे मैं ये बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, अपर की रेजिस्टेंस की और नीचे सपोर्ट की। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर चैनल पे ट्रेड कर रहा है। जी, अब आप देख सकते हैं ये एक पर्टिकुलर चैनल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से इसने एक अपसाइड दिखाई, दोबारा नीचे डाउन फॉल आई, फिर इसने एक अपसाइड दिखाई, फिर नीचे आया। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को हम कह सकते थे कि फेस करते करते दोबारा नीचे आ जाता था, यहाँ पर सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर चले जाता था। अब किस तरीके से हुआ, आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पे इस पर्टिकुलर काउंटर ने यहाँ पर तो अपना रेजिस्टेंस दिया, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे ही सब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे शैडो छोड़ी और नीचे आया। नीचे आने के बाद हम ये सजेस्ट करते थे कि शायद ये दोबारा नीचे आ सकता है अपने लेवल्स पे या अपनी ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाए, पर उसके बाद हमने देखा कि ये दोबारा ऊपर जाने की इसने कोशिश करी और अब इसने वापस डाउनफॉल दिखा दी वीकली चार्ट्स के अंदर। सो गाइस, ये सजेस्ट क्या कर रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ही रेजिस्टेंस था। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पता चला। जैसे जैसे हम फेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको पता चलते रहेगा कि ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल था और यहाँ पर इसने सपोर्ट क्यों लिया इस लेवल पे और यहाँ से इसने क्यों उछाल दिखाई है। सो ये आगे आगे आपके फेस पर समझ आते रहेंगे। सिर्फ अभी हम पहले फेज में इतना समझेंगे कि ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। चैनल के अंदर ट्रेड करने के बाद हम देख रहे थे ऊपर इसने रेजिस्टेंस फेस कर लिया है, अब ये हल्के हल्के डाउन साइड दिखाएगा और दोबारा 1360 के लेवल पे आएगा, जो कि अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है 1500 का लेवल। पहली चीज़ आप नोट कर लीजिए अपने, अगर मैं आपको हमेशा बताता हूँ कॉपी पेन नोट कर रखिए, फर्स्ट फेज में लिखिएगा चैनल बनाए और चैनल से अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करके नीचे आ रहा है और नीचे इसका जो लेवल है वो है 1360 का लेवल। अब हम बढ़ते हैं दूसरे फेज की तरफ। दूसरा फेज हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप इस पार्ट की तरफ, ये जो आपको ये W दिख रहा है गाइस, इस पार्ट की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगले इस पे आपको ध्यान से दिखेगा जी गाइस। सबसे पहले आपको मैं कुछ और दिखाना चाहूँगा, LNT क्या हमें सजेस्ट कर रहा है। अगर हम LNT के प्राइस पैटर्न को समझें तो LNT ज़्यादातर जो भी है वो एक प्राइस पैटर्न बना रहा है, एक पैटर्न की तरफ वो बढ़ गया है, वो है गाटले पैटर्न। गाटले पैटर्न में आपको अपनी बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ कि गाटले पैटर्न क्या होता है, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस तरीके से देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि एक पर्टिकुलर स्टॉक, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, एक पर्टिकुलर स्टॉक जैसे एक इसने नीचे की तरफ गया, ये स्टॉक नीचे जाने के बाद ये ऊपर जाता है और अपने प्रीवियस हाई को नहीं क्रॉस करता, दोबारा नीचे जाता है, अपने प्रीवियस लो को क्रॉस नहीं करता और फिर ऊपर चले जाता है। हम देखते हैं ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहां से वो दोबारा नीचे गिरना शुरू कर देता है और वो अपने प्रीवियस लो को तोड़ देता है। सो गाइस, होता क्या है, इसे हम कहते हैं गाटले पैटर्न। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको क्लियरली पता चल जाएगा।
ये किस तरीके से काम करता है। अब ये देखिएगा, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये मुझे अपने आप बताएगा कि कहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पर नहीं ड्रॉ करनी है। ये जीरोधा पे गाट लेगा, एक बहुत बढ़िया सा हम कह सकते हैं कि टूल है जो हमें हेल्प करता है। जैसे मुझे लगता है स्टॉक इस लेवल से लेकर, आप देखिए इस लेवल से लेकर यहाँ तक एक पर्टिकुलर स्टॉक नीचे गिर गया। अब वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि गाटले पैटर्न तभी बनेगा जब वो यहाँ से उछाल देगा और इस रेंज के अंदर आएगा। चलो मैं बोलता हूँ कि इस रेंज के मिड पॉइंट पे आया पर्टिकुलर स्टॉक, तो अब मुझे ये क्या बता रहा है कि यहाँ से अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो गाटले पैटर्न तभी बनेगा जब ये यहाँ से नीचे गिर के यहाँ तक आएगा, इस रेंज के अंदर आएगा, तभी गाटले पैटर्न बनेगा। देखिए अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं दिखा रहा है, बनेगा ही नहीं गाटले पैटर्न। जब तक मैं इस लाइन पर ड्रॉ नहीं करूँगा, क्लिक नहीं करूँगा, तब तक ये गाटले पैटर्न नहीं शो करेगा। अब ये कह रहा है गाटले पैटर्न तभी बनेगा, पैटर्न पूरा कंप्लीट तभी होगा जब ये इस रेंज के अंदर आएगा। अगर देखिए मैं इस रेंज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये शो ही नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा। सो अगर मैं इस रेंज पे क्लिक करता हूँ तो हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ये गाटले पैटर्न बन गया है। अब ये गाटले पैटर्न जो बना है ये है एक बियरिश गाटले, बियरिश गाटले यानी कि यहाँ से ये फॉल देगा और हो सकता है कि इस लेवल से भी ऊपर उछल जाए या इस लेवल को भी, इसके प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर दे नीचे की तरफ। सो, मैंने ये गाटले पैटर्न आपको समझाने के लिए बताया था। अब हम इसके जूम आउट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत बार गाटले पैटर्न ड्रॉ कर चुका है, जीरोधा हम कहें सॉरी एलएनटी अपने पैटर्न के अंदर। आप देख सकते हैं 2012 में इसने एक गाटले पैटर्न बनाया था, 1 साल के अंदर इसने अपना पैटर्न कंप्लीट करा था ये गाटले पैटर्न। उसके बाद देखा था हमने एक फॉल आई, फॉल इस रेंज को तोड़ गई थी और नीचे आ गई। उसके बाद हमने देखा कि इसने एक और गाटले पैटर्न बनाया और उसके बाद ये ऊपर चला गया। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये नीचे क्यों नहीं आया, इसका भी एक रीज़न है, वो रीज़न भी आपको भी अपने आप पता चल जाएगा क्या रीज़न है इसका, क्यों ये नीचे नहीं आया और यहाँ से ही इसने हाई बना दिए 1610 के। इसका रीज़न आपको अगले फेज में पता चलेगा, पर ये भी एक गाटले पैटर्न है। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने एक शॉर्ट टर्म गाटले पैटर्न बनाया था। तो अब हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा जी गाइस। अब हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वीकली चार्ट में एलएनटी एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद हमने देखा ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हम बात करते हैं कि इसने एक और गाटले पैटर्न बनाया, चैनल का ब्रेकआउट हुआ। तो मैं यहीं से इस गाटले पैटर्न का लूंगा, मैं आपको दोबारा एक बार बना के दिखाता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा जी गाइस। मैं गाटले पैटर्न दोबारा ड्रॉ करता हूँ, देखिए चैनल का इस लेवल से ब्रेकआउट आया, सो मैं इसी लेवल पे गाटले पैटर्न ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से मैंने स्टॉक को लिया, एक लाइन ड्रॉ करी ऊपर, वो मुझे सजेस्ट कर रहा है इस लाइन के अंदर ही, देखिए ये पर्टिकुलर जब नीचे आया तो इसी रेंज के अंदर ही इसने अपना बॉटम बनाया। और मैंने गया देखा, देखिए इसी रेंज के अंदर इसने अपना हाई बनाया यहाँ पे। अब ये आप देख सकते हैं इधर साइड, यहीं पर ही इसने अपना चार्ट छोड़ दिया वीकली चार्ट पे और जो अभी भी कंटिन्यू है। सो ये एक गाटले पैटर्न इसने ड्रॉ करा है। सो अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि इसका जो लेवल है 1460 का लेवल, 1460 के लेवल से ये बाउंस करे कर सकता है और कहाँ तक जा सकता है, कोई भी लेवल तक ये जा सकता है। ये गाटले पैटर्न का फिक्स टारगेट्स नहीं होते कि ये कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, मैक्सिमम मतलब मिनिमम जा सकता है और वहाँ से दोबारा नीचे आ जाए। हो सकता है कि ये शायद 1600 के लेवल नए हाइज भी बना सकता है ये गाटले पैटर्न, और हो सकता है कि यही कंसोलिडेट करते 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 दोबारा नीचे गिर जाए। सो गाटले पैटर्न का परफेक्ट टारगेट हम नहीं कभी भी एस्टिमेट कर सकते। सो पहला फेज हमें सजेस्ट कर रहा था गाइस कि एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा है यहाँ जाओ कि ये 1660 तक 1360 तक जा सकता है। दूसरी बात हमें ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये 1460 का जो लेवल है वो एक लेवल है जहाँ से शायद ये थोड़ा बहुत बाउंस बैक देने की कोशिश करे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने 1460 के लेवल पे ट्रेडिंग करा था, उसके बाद हम देख सकते थे कि बाउंस आ गया और दोबारा इसने 50 से 60 पॉइंट की अपमूव दे दी थी। अगर हम इसे डेली चार्ट में लेकर जाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारा आधा टारगेट, 50% टारगेट जो है वो अचीव हो गया है। सो अब क्या सजेस्ट कर रहा है कि एक प्राइस पैटर्न फॉर्म करता है ज़्यादातर गाटले और बटरफ्लाई पैटर्न, ये दो पैटर्न होते हैं जो एलएनटी ज़्यादातर फॉर्म कर रहा है। सो अब हम बढ़ते हैं तीसरे फेज़ की तरफ। तीसरे फेज़ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये डेली चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ये पैटर्न है, ये डब्ल्यू मैंने आपको दिखाया था,
ये पैटर्न, मैंने इस पैटर्न पे एक फिबोनाची ड्रॉ करा, तो फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद मुझे पता चला हाई से लो तक मैंने फिबोनाची ड्रॉ करा, तो मैंने देखा कि 161.8% का रिट्रेसमेंट लेवल इसका हाई था जो कि 1610 का लेवल था, और हम देख रहे थे उसके बाद इसने एक डाउनफॉल दिखाई और सपोर्ट कहाँ लिया 100% रिट्रेसमेंट पे। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। एक पैटर्न यहाँ पर डेवलप हुआ है, मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक से मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये एक बटरफ्लाई पैटर्न बना है, एक परफेक्ट बटरफ्लाई पैटर्न है। क्यों बटरफ्लाई परफेक्ट है? क्योंकि जो बटरफ्लाई का टॉप होता है वो 161% रिट्रेसमेंट लेवल तक होता है, जो भी अगर हम इसकी रेंज सेलेक्ट करते हैं। तो अब देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर काउंटर क्या करा, इसने 161% रिट्रेसमेंट लेवल तक गया, उसके बाद हमने देखा कि ये दोबारा वहाँ से फॉल दिखाई और 100% रिट्रेसमेंट लेवल पे आ गया, जो कि 1460 का लेवल है। 1460 के लेवल तक ये आया, 1460 का लेवल हमें कहाँ तक सजेस्ट कर रहा है ये देख सकते हैं। 1460 का लेवल हमें ये भी बता रहा है गाटले पैटर्न का, जो एक हम देख सकते थे जो गाटले का पैटर्न कंप्लीट हुआ है वो भी 1460 के लेवल पे ही हुआ है। सो सजेस्ट क्या कर रहा है, 1460 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 1460 अगर ब्रेक होता है तो ज़्यादा डाउन साइड्स एलएनटी के अंदर खुल जाएंगे। ये प्राइस पैटर्न, ये अगर हम पैटर्न की तरफ जाते हैं तो ये हमें भी सजेस्ट कर रहा है कि अगर ये इस शैडो को ब्रेक कर देता है तो वहाँ से हम और लोअर लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 1360 तक भी लेकर जा सकता है। सो ये एक बटरफ्लाई पैटर्न बनाया है। बटरफ्लाई पैटर्न का टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो टारगेट होता क्या है, पहला टारगेट होता है बटरफ्लाई पैटर्न का 100% रिट्रेसमेंट, जो कि जिस तरीके से उसने पैटर्न की स्टार्ट करी थी उसी लेवल तक ही आता है, जो कि इसने पैटर्न कंप्लीट कर दिया अपना पहला टारगेट। अगर बाय चांस ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो इसका जो सेकंड टारगेट होता है वो टारगेट होता है 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि 1360 का लेवल है। 1360 का लेवल में कहाँ शो कर रहा था हम देखते हैं एक बार, हम अपने प्रीवियस चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। 1360 का लेवल हमें ये शो कर रहा था ट्रेंड लाइन, इस चैनल का डाउनफॉल, ये देख सकते हैं आप। 1360 का लेवल हमें शो कर रहा है कि ये यहाँ तक जा सकता है, और 1360 के लेवल पे ही हम देख रहे हैं 50% का मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पे। सो आपको वो तीन से क्या कॉन्क्लूजन निकला, 1460 का लेवल ब्रेक होता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 1360 का। 1460 अल्टीमेट टारगेट है, 1460 पे आ सकता है तो आप एक बार कॉन्ट्रा बाय भी ले सकते हैं, पर अगर 1460 ब्रेक होता है और वहां पर हम देखते हैं कि कंसोलिडेट करता है एक और दो तीन दिन कंसोलिडेट करता है उसके नीचे, तो उसका फाइनल टारगेट होगा 1360 का टारगेट। अब आप देख सकते हैं अगर ये 1360 के टारगेट को तोड़ता है, बटरफ्लाई पैटर्न ये सजेस्ट करता है कि अगर वो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को तोड़ देता है बाय चांस, तो वो 38.2% रिट्रेसमेंट 1300 के लेवल या 1338.2 और 0% के मिड में जाके हम कह सकते हैं 1260 के लेवल तक भी जा सकता है बाय। अब आपको मैं एक बार क्लियरली व्यू से समझा देता हूँ, अपनी नोटबुक रख लीजिए अपने पास। मेक ब्रेक एंड इवन लेवल है 1460, अभी करंटली ट्रेड कर रहा है, सीएमपी डालिए 1500 का लेवल। 1460 का लेवल ब्रेक होता है, फर्स्ट टारगेट हमें क्या मिलता है 1360 का टारगेट, जो कि 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। 1360 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो वो पर्टिकुलर काउंटर कहाँ तक जा सकता है, 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल या फिर 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल और 0% के मिड में, जो कि 1260 है। अब आप क्लियरली व्यू से समझिए, 1460 का लेवल ब्रेक हुआ 1360 जाएगा, 1360 का लेवल ब्रेक हुआ तो वो 1300 से 1260 के बीच में जा सकता है और वहां से वो वापस एक मूव आएगी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ, दूसरे फेज की तरफ। दूसरे फेज में मैंने मंथली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, मंथली टाइम फ्रेम है, तो मंथली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न मैंने यहाँ इस लेवल से फिबोनाची ड्रॉ करी अपने लोअर लेवल्स तक। सो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि मैंने जब ये मंथली चार्ट ओपन करा तो ये बता रहा है कि इसका जो हाई बना है 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है, वो भी एक तरीके से 1560 के लेवल पे आता है। अब आप देखिए गाइस किस तरीके से देख सकते हैं आप, ये पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ से इस लेवल से ब्रेकआउट दिया होगा 1260 के लेवल से। अब आप देख सकते हैं 1260 का लेवल इस मंथली चार्ट के बटरफ्लाई पैटर्न का 100% का रिट्रेसमेंट है।
वीकली चार्ट में एक बटरफ्लाई पैटर्न बना, मंथली चार्ट में एक बटरफ्लाई पैटर्न बन रहा है। ये देखिए गाइस, ये एक बटरफ्लाई पैटर्न है। अब आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे मंथली चार्ट में, आपको तीनों फेज के बारे में समझ में आ जाएगा। मंथली चार्ट में यहाँ से एक इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद हमने देखा ये स्टॉक कहाँ तक गया, 1480 1490 तक गया। वहाँ पर इसे ये कंसोलिडेट करते रहा। क्यों कंसोलिडेट करते रहा? क्योंकि यहाँ पर 100 और 138.2% का रिट्रेसमेंट लेवल है। उसके बाद जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक करा, अपने हाइज की तरफ गया और दोबारा नीचे आया। अब आप देख सकते हैं जो 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल है वो है इसका 1470 1465 का लेवल, यानी कि अप्रॉक्स 1460 के आसपास, जो मैंने आपको बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर 1460 का लेवल टूटता है तो हम कह सकते हैं कि वहां से जो इसकी डाउनसाइड आएगी वो कहां तक आ सकती है, 1360 के लेवल तक, जो मैंने आपको बताया था। अब आप देख सकते हैं कि 20 दिन का मूविंग एवरेज है मंथली चार्ट में, वो क्या दिखा रहा है, 1360 का लेवल। अब 1360 का लेवल टूटता है तो मैंने आपको क्या बताया था, 1300-1260 तक जा सकता है। सो मैंने आपको क्या बोला, अगर ये 1260 तक जाता है तो इसका 100% रिट्रेसमेंट लेवल क्या है, 1260 का लेवल। अब क्लियरली व्यू से आपको पता चल गया है, टाइम फ्रेम में आपको ये नहीं बता सकता कि वो 1260 के लेवल तक कब तक जा सकता है या 1360 के लेवल तक कब तक जा सकता है, क्योंकि मंथली चार्ट है, बाय चांसेस होने में 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं इसे 1260 तक आने में। पर अगर ये बटरफ्लाई पैटर्न आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली तरीके से इसने 161 रिट्रेसमेंट लेवल को रिस्पेक्ट दी और दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सो क्लियरली ये मैं आपको ये सजेस्ट कर देता हूँ, 1260 का लेवल तोड़ता है 1460 का लेवल, क्लियरली शॉर्ट है। आप पोजीशन शॉर्ट की अपनी इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1360। 1360 तोड़ता है, और तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि अगर इसने इंट्राडे में तोड़ दिया तो आपने अपनी पोजीशन बना ली। इसका मतलब ये है, मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम में दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 या 3 दिन उसके नीचे उसे ट्रेड करा रहना चाहिए। अगर उसके नीचे वो ट्रेड नहीं करता तब तक हम ये नहीं मान सकते कि उसने उस लेवल को ब्रेक करा है। 1460 के नीचे जब तक वो 2 या 3 दिन कंसोलिडेट नहीं करता तब तक हम उसमें अपनी फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 1360। दोबारा आपको एक बार मैं चारों फेजेस दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। ये एक रेंज है, रेंज का जो इसका बॉटम है वो है 1360 का लेवल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। 1360 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो हम कह सकते हैं कहाँ तक जा सकता है, 1260 के लेवल तक। ठीक है गाइस, 1260 के लेवल तक ये दोबारा जा सकता है। अब 1200 और ये आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर गाटले का पैटर्न फॉर्म करता है। गाटले का पैटर्न फॉर्म करने का मतलब ये मुझे क्या बता रहा है, आप देख सकते हैं कि मैं गाटले हटा देता हूँ एक तरीके से, कि 1260 का लेवल है ये, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 1460 का लेवल, अगर ये नहीं तोड़ता तो ये और हाइज बना सकता है। पर 1460 का लेवल तोड़ना इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, तभी हम कह सकते हैं कि हम एक ब्रेकडाउन इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देख सकते हैं। सो क्लियरली व्यूज आपको मैंने चारों फेज एक्सप्लेन कर दिए, आपने नोट कर लिया होगा कि किस लेवल को क्या तोड़ने में क्या टारगेट है, फिर क्या तोड़ने में क्या टारगेट है। 1460 नहीं टूटता तो हमें गाटले पैटर्न का टारगेट हमारा शायद अचीव हो सकता है, जो कि हमारे नए हाइज बना सकता है एलएनटी। तो ये एक तरीके से हमें काम करते हुए चलना है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, अब देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चैनल हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि हायर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं। ठीक है गाइस, आपने देखा यहाँ हाई बना नया, यहाँ हाई बना नया, यहाँ हाई बना, एक नया हाई और बना, और लोज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सो ये अच्छी बात है, पर अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है। अगर हम आरएसआई की बात करें, आरएसआई हमें ये बता रहा है, मैं आरएसआई को ऐसे जूम कर देता हूँ जी गाइस। सो मुझे आरएसआई में एक देख रहे हैं कि एक सेकेंड, यहाँ से जो एक चैनल इसने रेजिस्टेंस की चैनल दिखा रहा है, वो चैनल दिखा रहा है कि ये एक अपवर्ड है, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आरएसआई है वो डाउन दिखा रहा है, डाउन हो रहा है आरएसआई। एक सेकेंड, तो हम ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि वीकली चार्ट में अगर हम आरएसआई और एलएनटी के इस चैनल को कंपेयर करें तो हमें डाइवर्जेंस देखने को मिला है, और ये जो डाइवर्जेंस है ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, नया हाइज बना रहा है, पर जो आरएसआई है वो हम देख रहे हैं कि वो लोअर लोज बनाने की अब कोशिश कर रहा है। सो इसका मतलब ये है
कि डाइवर्जेंस है, बियरिश डाइवर्जेंस है, और जब भी अगर हम देखते हैं कि बियरिश डाइवर्जेंस होता है, सो वो अपने चैनल को कभी कभार ब्रेक कर देता है, यानी कि वो चैनल तक चले जाता है। और मुझे लगता है कि अगर ये आप देख सकते हैं चैनल के अंदर भी एक RSI ट्रेड कर रहा है, ये RSI अगर इस चैनल के बॉटम तक आता है तो हम कह सकते हैं कि 1260 का लेवल हमारा टारगेट जो है वो अल्टीमेटली अचीव हो जाएगा। सो क्लियरली आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया गया है कि 1260 एक अल्टीमेट टारगेट है। अगर 1260 तोड़ता है तो आप भी समझ सकते हैं कि कितनी गिरावट और देखने को मिल सकती है। पर अगर हम चारों फेज की बात करें, मंथली की, जिसकी भी बात करें, तो हमें यही सजेस्ट करें 1260 एक अल्टीमेट टारगेट है। वहां से अगर हम अपने इसमें फ्रेश बाइंग इनिशिएट करेंगे तो हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म में LNT को बाय करने के लिए। सो बहुत क्लियरली व्यू मैंने आपको दे दिया होगा गाइस LNT के अंदर, आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया होगा। सो अब आपको काम ये करना है गाइस कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, जो भी मेरी बंदे वीडियोस देख रहे हैं आपको कमेंट सेक्शन में जाना होगा। आपके स्टॉक्स में कोई भी डाउट है, आपको कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक पे अगर डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको वो स्टॉक कमेंट में दिखता है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक को लाइक कर दीजिए। जिस पर्टिकुलर स्टॉक पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और ऐसे ही आपको क्लियरली व्यू से एक्सप्लेन करा जाएगा किस तरीके से आपको काम करना है। गाइस LNT पे बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई होगी, पर गाइस इस तरीके से आपको किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं करा होगा किस तरीके से काम करना है। मैं जो ये ट्रेड टॉक की सीरीज़ लेकर आया हूँ, मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि मैं आपके साथ डेप्थ एनालिसिस शेयर कर पाऊँ हर स्टॉक पे, हर ऐसे आपके स्टॉक पे जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए शेयर करूँ। सो गाइस ये डेप्थ एनालिसिस आपको बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगी, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अगर आप ये किसी के और के साथ शेयर करते हैं जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है, या किसी भी टेक्निकल एनालिसिस एनालिस्ट के साथ शेयर करते हैं, तो वो आपको बहुत अप्रिशिएट भी ज़रूर करेगा गाइस। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको मेरी ये ट्रेड टॉक की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और गाइस अगर आपको कोई भी माइनर डाउट भी होता है आपके कोई भी स्टॉक पे, अगर आपके पोर्टफोलियो पे कोई ऐसा स्टॉक है जो बहुत गिर रहा है, तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। जिस पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।